वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, आप लोग के सपोर्ट से मेरा चैनल मोनो हो गया और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया आप सब लोगों ने, तो आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। और आज मैंने डिनर में बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं। कोई गलती होगी तो आप बता देना, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो ही तो मैं अपनी गलती को सही कर पाऊंगी ना। तो चलिए, बस सब तैयारी हो चुकी है। ये दो बैंगन लिए मैंने मंडी से लेकर आई थी, तो छोटे वाले बैंगन भी लेकर आई थी और बड़े दो लेके आ गई थी और छोटे छोटे भी काफ़ी सारे लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि बड़े बैंगनों का भरता बना दूंगी और छोटे बैंगनों की सब्जी बना दूंगी। तो इसके साथ में मैंने दो टमाटर लिए हैं और दो हरी मिर्ची, क्योंकि मिर्च तो हम लोग कम ही खाते हैं, तो इसीलिए मैंने दो ही हरी मिर्च ली है। और रेड वाली मिर्च तो मैं डालती ही नहीं हूँ सब्जियों में, किसी भी सब्जी में, दाल में कभी भी नहीं डालती हूँ, केवल हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैंगन में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, क्योंकि उससे अच्छे से भुन जाते हैं ये। तो और टमाटर में भी लगा लिया था थोड़ा थोड़ा ऑयल। तो अब मैं टमाटर और बैंगन को गैस पे मैंने चढ़ा दिया है, एक चूल्हे पे एक बैंगन और दूसरा दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसके साथ से टमाटर भी चढ़ा दूँगी और दोनों भुन जाएंगे। तो उसके बाद इसको छील लूँगी। इसको अच्छे से भून देना चाहिए ताकि ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे तो बैंगन का भरता बहुत पसंद है। आप भी बताना कमेंट में कि आपको बैंगन का भरता अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में सभी को बैंगन का भरता बहुत पसंद है, और मेरे बेटे ऋषभ को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, बैंगन पूरे भुन चुके हैं और कितने ब्लैक दिख रहे हैं, और इसका छिलका भी उतरने लगा है। तो इसे मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो अब ठंडा भी हो गया, हल्का सा गर्म है, फिर भी छीलने लायक है। तो अब मैं इसको पूरा छील दूँगी और मैश कर दूँगी अच्छे से। तो बस, और छीलने के बाद देखिए, इसे मैंने अच्छे से मैश भी कर दिया। अब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, और ये मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया है। तेल गरम होते ही इसमें जीरा और प्याज डाल दूँगी। प्याज काट के रखे हैं मैंने साइड में, और दूसरे चूल्हे पे दूध चढ़ाया है, दूध गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मेरी बेटी दूध लेके आई थी, तो मैंने कहा गरम कर दूँ साथ साथ। तो और थोड़ा सा ना गिर भी गया था, ध्यान ही नहीं रहा, उबाल आई और दूध गिर गया एकदम से। और ये देखिए, जीरा डाल दिया है मैंने और प्याज भी डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा भून लूँगी, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का। तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, ये डाल दिया मैंने। और इसको भूनने के बाद में बस, और टमाटर डाल के ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और टमाटर वगैरह डाल के जब टमाटर गल जाएंगे तो बस इसमें बैंगन डाल दूंगी, मैश किया हुआ है। तो और ये बस जो रोज़ सब्जी में मसाले यूज़ करते हैं, बस वही डालती हूँ मैं, गरम मसाला और नमक और हल्दी डाल दूंगी। और मैंने आपको बताया ना, रेड वाली मिर्च तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और ये देखिए, अभी थोड़ा टमाटर गल जाए तो बस सब्जी तैयार ही हो जानी है। और इसी टाइम ना मेरा दूध भी उबल के गिर गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, दूध ढका हुआ था तो वो भी गिर गया, तो बस उसे पोंछने में लग गई थी मैं। और ये ना देखिए, टमाटर गल चुका है, अब इसमें डाल दूंगी मैं बैंगन और इसे मिक्स कर दूंगी, और ये बस बनके तैयार है। थोड़ा धनिया भी मैंने काट दिया है और धनिया भी डाल दूंगी, तो अब बनके पूरा तैयार हो ही गया है। और बस थोड़ा सा ना ढक के
ये मेरा बेटा ना ड्राइंग बना रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि किसकी ड्राइंग बना रहा है। तो देखिए ये हेमावारी है, आपने देखी होगी कार्टून में, सिंचन आता है ना, बस उसी की बहन की ड्राइंग बना रहा है। ये कार्टूनों की ड्राइंग बहुत बनाता है और अच्छी भी बनाता है। और आप बताना कैसी लगी आपको हेमावारी। और देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई है, और ना देखिए, और खाने में भी ना बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखिए अभी भी मैंने इसे बाउल में निकाला है तो इसमें धुआं निकल ही रहा है बस। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो भी आएंगे मेरे चैनल पर, प्लीज़ फ्रेंड्स। तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। ओके, थैंक यू वॉच करने के लिए।